विधानसभा में आज बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के सभी विधायकों ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसी के साथ सदन में नर्सिंग घोटाले की भी गूंज रही। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने विश्वास सारंग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले में विश्वास सारंग ने झूठी बात कही और सदन को गुमराह किया। नर्सिंग घोटाले में जब तक मंत्री का इस्तीफा और भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही नहीं होती, तब तक लगातार यह मुद्दा चलता रहेगा। नर्सिंग को लेके जिस प्रकार से झूठी बात कही गई विश्वास सारंग ने और सदन को गुमराह किया गया, इस पे भी आज बात की जाएगी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि सरकार ने माताओं और बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था, उन बहनों के साथ वादा खिलाफी की गई है, इस बजट में उनका ध्यान नहीं रखा गया है। जिन माताओं बहनों के नाम पर ये सरकार इन्होंने छलावा करके बनाई झूठे वायदे करके और उनको वायदा किया था 3,000 रुपए प्रति माह देने का, जो आप सबको भी ज्ञात है, उन माताओं बहनों को दरकिनार करते हुए अपने वायदा खिलाफी करते हुए उनका ख्याल इस बजट में नहीं रखा गया है। यदि ऐसा है तो फिर इस चीज का पुरजोर तरीके से विरोध किया जाएगा, इस आशा के साथ कि उस वायदे को जो 3,000 रुपए का उन्होंने किया था उसको इसमें सम्मिलित किया जाए। जयवर्धन सिंह ने भी सरकार पर लाडली बहनों के साथ वायदा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने हर महीने लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था, वो पूरा करे। कांग्रेस विधायक प्रकाश ग्रेवाल ने सदन में सवाल उठाया कि क्या लाडली बहन को राशि बढ़ाकर 3,000 रुपए दी जाएगी। इस पर जवाब आया कि सरकार ने इस पर अभी कोई विचार नहीं किया है। जो वादा भाजपा ने चुनाव के समय किया था कि लाडली बहनों की राशि 1,000 या 1,250 से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमा की जाएगी, हम आज इंतजार करेंगे कि क्या माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण में और आज बजट जब प्रस्तुत होगी तो क्या लाडली बहनों की जो राशि है क्या वो 3,000 की जाएगी। कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने कहा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, जब हम घर का बजट बनाते हैं तो इस तरीके से नहीं बनाते कि हमें कर्ज लेना पड़े। सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है, अब तक 385 करोड़ का कर्ज सरकार द्वारा लिया जा चुका है। देखिए, आपने कहावत सुनी है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, जब आप घर का बजट जब आप बनाते हैं तो आप ये बजट तो बनाते नहीं कि हम कर्ज में आगे कर्ज लेना पड़े। अब आप सोचिए कि सरकार कर्ज पे कर्ज ले रही है और लगभग 3,86,000 करोड़ का कर्जा आज प्रदेश पर हो गया, यानी प्रति व्यक्ति मेरा मानना है कि लगभग 50,000 का कर्जा आज होता जा रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।